आज दुनिया में कई तरह के हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं है। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी एक तरह के हेलीकॉप्टर ही होते हैं जो अपने साथ काफ़ी भारी सामान भी ले जा सकते हैं। जंग जैसे हालात में इस तरह के हेलीकॉप्टर्स जंग का पासा पलट सकते हैं, इसलिए इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को भारत के साथ साथ कई ताकतवर देश इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 7 सबसे विशाल या हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। हमारा आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज क्यूरियोसिटी वर्ल्ड IG को भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना समय गवाए 7वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर है NH-90 मिलिट्री हेलीकॉप्टर। ये एक आधुनिक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो सेना के कई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को जमीन, पानी, दिन रात कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इस हेलीकॉप्टर के 500 से भी ज़्यादा यूनिट बनाए जा चुके हैं और इसका इस्तेमाल दुनिया भर के 13 देश करते हैं। इस हेलीकॉप्टर को यूरोपियन देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। इस हेलीकॉप्टर में एक साथ 20 से भी ज़्यादा फुली इक्विप्ड कमांडो को ले जाया जा सकता है। ये दुनिया के उन चुनिंदा हेलीकॉप्टर्स में से एक है जिसका इस्तेमाल लिफ्टिंग के अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रोल में भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन या सरफेस वारफेयर के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एयरबॉर्न वार्निंग, यूटिलिटी सपोर्ट और स्पेशल ऑपरेशन जैसे कठिन मिशंस में भी किया जा सकता है। तो हमारे लिस्ट के 6वें नंबर पर है MI-8 हेलीकॉप्टर। ये एक ट्विन इंजन मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है जिसे रसिया के मिल हेलीकॉप्टर्स ने बनाया है। आज इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 50 से भी ज़्यादा देश कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के 2 वर्जन का निर्माण किया जाता है, पहला है सिविल और दूसरा मिलिट्री वर्जन। इस हेलीकॉप्टर के मिलिट्री वर्जन को MI-8T भी कहा जाता है। भारत के पास इस हेलीकॉप्टर के 40 से भी ज़्यादा यूनिट्स मौजूद हैं और ये सभी हेलीकॉप्टर एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस हैं। इस हेलीकॉप्टर की सबसे एडवांस वर्जन को MI-8 TMB या MI-17 भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे सफल हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसमें एक साथ 30 फुल्ली इक्विप्ड कमांडो बैठ सकते हैं और ये 5000 किलोग्राम तक के वजन को साथ लेकर उड़ सकता है। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर है चाइना की Z-18 हेलीकॉप्टर जिसे चेंगजी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने बनाया है। ये एक ट्रिपल इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसने अपनी पहली उड़ान 2014 में भरा था और ये 2018 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल भी किया जा चुका है। अब तक इस हेलीकॉप्टर के कितने यूनिट्स बनाए जा चुके हैं इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाइना के पास इस हेलीकॉप्टर का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। ये अपने साथ 27 फुल्ली इक्विप्ड कमांडो को कैरी कर सकता है और हैरतअंगेज रूप से ये 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशन रेंज 1000 किलोमीटर है और इसे तिब्बत जैसे ऊंचाई वाले स्थानों में भी ऑपरेट किया जा सकता है। हमारे लिस्ट के 4थे नंबर पर मौजूद है V-22 ओस्प्रे। ये एक जॉइंट सर्विस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसमें टिल्ट रोटर टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिस कारण से ये हेलीकॉप्टर काफ़ी तेजी से उड़ान भर सकता है और ये अपने रोटर्स को घुमाकर किसी एरोप्लेन की तरह उड़ता है। और ये टिल्ट रोटर होने की वजह से ये आसमान में हॉवर भी कर सकता है।
और यह हेलीकॉप्टर दिखने में भी किसी साइंस फिक्शन मूवी के एयरक्राफ्ट की तरह लगता है। इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान 1989 में ही पूरी कर ली थी। इस हेलीकॉप्टर में एक साथ 24 से भी ज़्यादा फुली इक्विप्ड कमांडो बैठ सकते हैं। इन्हीं सब खासियत के कारण इसे दुनिया का सबसे यूनिक एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इसे अमेरिका के अलावा जापान भी इस्तेमाल करता है। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है CH-47, जिसे चिनुक भी कहा जाता है। ये एक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिका के बोइंग इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे अमेरिका के अलावा भारत, इंग्लैंड जैसे कई देश इस्तेमाल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर भारी से भारी वजन को भी उठा सकता है। ये हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड में भी उड़ान भरने में सक्षम है, जो इसे हिमालयन रीजन के लिए भी एक परफेक्ट हेलीकॉप्टर बनाता है। ये हेलीकॉप्टर कार्गो के अलावा लड़ाई हेलीकॉप्टर का भी किरदार निभा सकता है। इसने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे युद्धग्रस्त इलाकों में भी अपनी काबिलियत और क्षमता को बखूबी से दिखाया है। 10 फरवरी 2019 को पहला चिनुक हेलीकॉप्टर भारत को मिल गया था। इस हेलीकॉप्टर ने अपने पहली उड़ान 1970 में ही भर ली थी। इस हेलीकॉप्टर में एक साथ 44 फुली इक्विप्ड कमांडो बैठ सकते हैं। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है CH-53 किंग स्टालिन, जो एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिका की सिक्रोस्की एयरक्राफ्ट ने बनाया है। अभी इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा जर्मनी, ईरान, इजराइल और मैक्सिको जैसे देश इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान 14 अक्टूबर 1964 को भरी थी और 1966 में ये हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना में शामिल भी हो गया था। इसको उड़ाने के लिए 4 क्रू दल की ज़रूरत होती है और अपने साथ 38 फुली इक्विप्ड कमांडो को भी ये कैरी कर सकता है। इसमें 2 M60 मशीन गन लगे होते हैं। इस हेलीकॉप्टर ने वियतनाम के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है रसिया की MI-26 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, जो अभी दुनिया की सबसे विशाल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट ने बनाया है। ये हेलीकॉप्टर 1985 में पहली बार रशियन आर्मी में शामिल हुई थी। इसे उड़ाने के लिए 5 क्रू दल की ज़रूरत होती है और हैरतअंगेज रूप से ये अपने साथ 70 से 100 कमांडो को कैरी कर सकता है। अब तक 316 MI-26 हेलीकॉप्टर को बनाए जा चुके हैं। इसे भारत के अलावा कंबोडिया, पेरू जैसे कई देश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि MI-26 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर है। दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर है रसिया की MI-V12, लेकिन इसके एक भी ऑपरेशनल वेरिएंट मौजूद नहीं है, यानी कि इस हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन को कई दशक पहले ही बंद कर दिया गया था, जिस कारण से हमने इस हेलीकॉप्टर को अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और अगर आप इस V12 हेलीकॉप्टर के डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। और इस तरह नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें। धन्यवाद।